हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत में होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा, जब मैं एक मौली फिश के लिए ब्रीडिंग सेटअप बनाया था, लेकिन दूसरे मौली ने उस बच्चे को खा लिया। तो मैंने क्या किया, रिवर फिश के टैंक जो है उसमें हम मौली को डाल दिया। उसमें जो स्नैक हेड था उसको हम हटा दिया यहाँ पर। तो स्नैक हेड के लिए हम बाद में सेटअप बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 स्नैक हेड होंगे, बहुत छोटा छोटा, पर इन्होंने मौली के बच्चे को खा रहा है इसलिए हटा दिया। और अब हम यहाँ पर बच्चे देने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दिया मौली को, जो कि छोटा सा घर बना दिया टूटा हुआ मटका लेके। तो ये लोग उसके अंदर घुस रहा है और देख रहा है। तो यहाँ पर बच्चे देंगे, आसानी से मुझे भी दिख जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर जब बच्चा देना कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और भी बनाना पड़ेगा, ये देखिए। और यहाँ एक, यहाँ पर पहले से एक बेटा फिश, रिवर से जो बेटा फिश लाया था वो घुस के बैठा हुआ है, और ऊपर एक स्नेल बैठा है। यहाँ पर बीच में और एक बनाएंगे, ये देखिए, ये लोग घर देख रहा है। ये देखिए, ये लोग चारों के चारों एक साथ घुस रहा है, शायद लड़ रहा है। और आप लोगों को पता ही है ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये लोग फीमेल के लिए लड़ रहे हैं। तो हम और एक घर बनाएंगे इनके लिए, जो कि एक्वेरियम में अंदर बीच में होंगे। और उस जगह पर एक बनाएंगे जहाँ पर एक कटोरा रखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर एक बनाएंगे ताकि बाहर से अच्छे से दिख सके बच्चे। और ये लोग सारे के सारे प्रेग्नेंट है, और 2-4 मेल भी दिया है, अभी भी पीछे घूम रहा है फीमेल के पीछे। वो देखिए पीछे पीछे घूम रहा है, फीमेल के पीछे मेल घूम रहा है। ये देखिए, ये वाइट वाला प्रेग्नेंट है,